हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को सुबह सुबह उठकर क्या खाना और क्या पीना चाहिए, जिससे कि उनके दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी और रिफ्रेशिंग रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं? जनरली लोग उठते हैं तो पानी पीते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन्हें उठते बराबर थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। एक गिलास भर के पानी पी सकते हैं। अगर आप गुनगुना पानी करके पीते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको, क्योंकि इस दौरान जनरली देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी रहता है। तो गुनगुना पानी अगर करके आप पीते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा, प्लस आपको मोशन रिलीज़ करने में भी आसानी होगी। तो आप गुनगुना पानी करके पी सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। आराम से एक गिलास भर के पानी लीजिए, आराम से बैठ के सिप बाय सिप करके पीजिए, एकदम से सारा पानी मत पीजिए। पानी पीने का सही तरीका क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो किया है, आप चाहें तो जा करके चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। दूसरी बात ये कि इस समय पे आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बोला जाता है कि पानी जो है वो आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पीना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि हम पानी बहुत सारा नहीं पी सकते। इसलिए आप क्या कीजिए, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए और ग्रेजुअली दिन भर में उसे इनक्रीज़ कीजिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। आप सुबह पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद लगभग 9 से 10 बजे के बीच में आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। कोकोनट वाटर भी बहुत फ़ायदा करता है, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। कोकोनट वाटर को कैसे पीना है, किस तरीके से पीते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो किया है, आप वो जा कर के भी चेक कर सकते हैं। मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लाइम वाटर ले सकते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी मदद करेगी मॉर्निंग सिकनेस से रिलीफ दिलाने में, क्योंकि ये जो है इन्हें रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स माना जाता है और कोकोनट वाटर और लाइम वाटर के अपने ही अलग फ़ायदे हैं। तो आप इन्हें अपनी सुबह के रूटीन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। आप जब भी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिसमें कि प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हो, कैल्शियम हो। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, और आप जो भी अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करते हैं आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उसमें प्रोटीन्स भी ऐड कर लें। प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन, इस हिसाब से आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। जनरली होता क्या है कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, लेकिन इस समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना भी, क्योंकि इनडायरेक्टली आप अपना ध्यान रख रहे हैं, मतलब आपके बच्चे का भी ध्यान आप रख रहे हैं। तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। अगर आप घर पर नहीं कर पाते हैं तो ऑफिस में जा कर के कीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप बादाम खाइए, रात को भिगो करके आप बादाम रख सकते हैं, आप उन बादाम को सुबह खा सकते हैं। और आप एक गिलास दूध भी ले सकते हैं, दूध आप चाहें तो उसमें केसर डाल सकते हैं। अगर आपको केसर नहीं डालना है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई प्रोटीन पाउडर रिकमेंड किया है तो आप उसे भी ऐड करके मॉर्निंग में पी सकते हैं, या फिर आप दूध को ब्रेकफास्ट के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप ब्रेकफास्ट के साथ टी या कॉफ़ी कंबाइन मत करें, क्योंकि उससे जो आयरन मिलने वाला होगा वो वैनिश हो जाएगा। आपको उससे पूरी तरह से ब्रेकफास्ट जो आप कर रहे हैं उसका आपको पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि आप ब्रेकफास्ट के साथ चाय कॉफ़ी ना पीजिए। उसके थोड़ी देर बाद आप पी सकते हैं, 10-20 मिनट्स बाद अगर आपको चाय कॉफ़ी लेनी है तो आप ले सकते हैं, बट ब्रेकफास्ट के साथ मत लीजिए। आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या ले सकते हैं, आपको वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है अपने ब्रेकफास्ट में, जिसमें कि आयरन हो, कैल्शियम हो, फाइबर हो, प्रोटीन्स हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट हेल्प करेंगी और आपकी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो आप आयरन के लिए आप पालक खा सकते हैं, पालक के पराठे बनवा सकते हैं, आप वो खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। ओट मील ले सकते हैं, इट इज़ रिच इन फाइबर। कैल्शियम के लिए आप मिल्क ले सकते हैं, प्रोटीन्स के लिए आप एग ले सकते हैं, बादाम जैसे कि मैंने आपको बोला वो भी ले सकते हैं। तो
आप ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में, आपको बहुत फ़ायदा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो और लेटर स्टेजेस में भी होगा, आफ्टर डिलीवरी भी आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि डिलीवरी के बाद काफ़ी चीज़ों का लॉस होता है बॉडी से, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी बाद में जल्दी रिकवर होने के लिए। तो आप ये सब चीज़ें अपने ब्रेकफास्ट में डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, उठते बराबर आपको पानी लेना है। इससे क्या होगा कि आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी बॉडी में जो एमनियोटिक फ्लूड है जिसके अंदर बेबी होता है वो भी उसके वो जो पानी होता है वो भी मेंटेन रहेगा, प्लस आपको दिन भर आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप पानी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। प्लस आप बादाम ले सकते हैं सुबह उठ करके, इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपका दिन जो है, दिन की शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद आप ग्लास भर दूध ले सकते हैं, केसर डाल सकते हैं या फिर प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया हो वो। प्लस आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट मील आपको लेना है इस समय पे, क्योंकि इससे आपके बच्चे को भी आहार मिलेगा। फर्स्ट टाइम जब आप फूड लेते हैं तो बच्चे की हलचल शुरू होगी, तो आप ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। कैल्शियम प्रोटीन जो भी हो सकता है वो आप इंक्लूड कीजिए और इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए, इन सब चीज़ों को आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था वीडियो जिसमें हमने बात की कि हम मॉर्निंग में उठकर के क्या क्या ले सकते हैं जिससे कि हमारी दिन की शुरुआत रिफ्रेशिंग हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।